जिला प्रशासन ने 9 अवैध रूप से संचालित मदरसों को कराया बंद। यूपी के हमीरपुर ज़िले में अवैध मदरसे के खिलाफ हुई शिकायत के बाद डीएम के आदेश पर अल्पसंख्यक अधिकारी ने अभियान चलाकर ज़िले में संचालित अवैध मदरसों में छापामारी कर मदरसों की मान्यता सहित अन्य प्रपत्रों की जांच की है, जिसमें जांच के दौरान टीम ने 9 मदरसे अवैध पाए हैं, जिन्हें बंद करने के साथ मदरसों में पढ़ाई करने वाले छात्रों का सरकारी स्कूलों में दाखिला कराया गया है। साथ ही बंद किए गए मदरसों को अगर संचालित किया जाता है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मोधा कोतवाली कस्बे के कमरिया रोड पर संचालित एक मदरसे को अवैध बताकर उसकी शिकायत की गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने अब जिले भर के मदरसों के खिलाफ अभियान चलाकर मदरसे से जुड़े दस्तावेजों, बच्चों का सत्यापन और मान्यता सहित अन्य प्रपत्रों की जांच की है, जिसमें जांच के दौरान जिला मुख्यालय में एक, मोधा में 5 और राठ में कई वर्षों से गैर मान्यता में संचालित, 3 वर्षों से गैर मान्यता के संचालित मदरसे अवैध पाए गए हैं, जिन्हें मदरसे संचालक इनकम का स्रोत बताए थे। अवैध पाए गए 9 मदरसों के खिलाफ जिला प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सभी अवैध मदरसों को डीएम के आदेश के बाद बंद करा दिया गया है। अब अगर बात की जाए या अवैध मदरसे संचालित मिले तो मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। वहीं जिला प्रशासन की कार्यवाही से मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, ये शिकायत मिली थी कि जिले अंतर्गत कई अवैध मदरसे चलाए जा रहे हैं, उसी क्रम में हमने जो हमारे अल्पसंख्यक अधिकारी हैं उनसे जांच करवाया। मौके पर 9 अवैध जो मदरसे हैं उनको संचालित पाया गया। उसी क्रम में उनको नोटिस देकर बंद करने की कार्रवाई हम लोग ने करवा दी है और समस्त जो अवैध मदरसे हैं उनको चिन्हित करके हमने गठित रूप से उनको बंद करवा दिया। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।